Hello guys, welcome to my channel Tech Poison, and today I'm gonna show you how we can transfer Gmail account contacts into iCloud account. So guys, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो Gmail account पे हमारी contacts होते हैं Google account में, उन्हें हम iCloud account पे कैसे transfer कर सकते हैं. क्या होता है कि हम अगर iPhone use कर रहे होते हैं तो वहाँ पे Gmail के जो contacts हैं contact में शो नहीं होते हैं, तो इसी वजह से हमें iCloud में जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ट्रांसफ़र करने होते हैं Gmail के. तो इसलिए मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि कैसे ट्रांसफ़र करने हैं हमें Gmail के कॉन्टैक्ट iCloud अकाउंट में. तो चलिए शुरू करते हैं. तो इसके लिए आपको अपने Gmail अकाउंट ओपन करना होगा फर्स्ट. तो आपको तो मैं यहाँ पर Gmail अकाउंट ओपन कर लेता हूँ. ओके, देन आपको सेकेंड टैब में आपको ओपन करना होगा iCloud.com. iCloud.com. ओके, देख लीजिए इधर मेरा ये iCloud साइन इन हो रहा है. ओके, और इधर Gmail अकाउंट. ओके, इस दोनों अकाउंट आपके ऑन हो चुके हैं. देन हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है कॉन्टैक्ट्स पे. ओके, यहाँ पे देख लीजिए नो कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे एक भी कॉन्टैक्ट नहीं है. तो हमें एक और न्यू टैब ओपन करनी होगी. तो यहाँ पे हमें ओपन करना है कॉन्टैक्ट वाले. तो देख लीजिए यहाँ पे शो हो चुके हैं पूरे कॉन्टैक्ट जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं. ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आपको मोर का बटन दिखेगा, देख लीजिए इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है ताकि हम जो फाइल है कॉन्टैक्ट्स की वो कॉपी कर सके, डाउनलोड कर सके. तो आपको मोर पे क्लिक करना है, देन आपको एक्सपोर्ट करना है, गो टू ओल्ड वर्जन. तो इसके लिए क्या होगा, हमें ट्रांसफ़र करने के लिए पहले हमें ओल्ड वर्जन में जाना होगा. नए जो वर्जन है इसका पेज का वो सपोर्ट नहीं करता, तो मैं इसके ओल्ड वर्जन में चला जाता हूँ. गो टू ओल्ड वर्जन पर क्लिक करके ओके, इसके ओल्ड वर्जन में आ चुका हूँ मैं. ओके, देख लीजिए यहाँ पे पूरे कॉन्टैक्ट शो हो रहे हैं. तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे एक्सपोर्ट करना है कॉन्टैक्ट्स को. ओके, तो यहाँ पे आपको मोर में जाना है, मोर पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट करना है. ओके, ऑल कॉन्टैक्ट्स करना चाहते हैं तो आप ऑल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर या फिर द ग्रुप वाले करना चाहते हैं द ग्रुप वाले कर सकते हैं. तो मैंने ऑल कॉन्टैक्ट्स पे कर लेता हूँ और एक्सपोर्ट कर लेता हूँ. आपको मेक श्योर आपको गूगल CSV फॉर्मेट में नहीं करना है, आपको वी कार्ड वाले फॉर्मेट में करना है जिससे कि आप एप्पल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सको. ओके, तो आपको इस पे चेक करना है इस वाले ऑप्शंस पे. ओके, और आपको एक्सपोर्ट करना है. ओके, यहाँ पे देख लीजिए सेव फाइल का ऑप्शन आ चुका है. तो हमें सेव फाइल करनी है, मतलब डाउन करना है आपको इसे. ओके, ओपन फोल्डर, देख लीजिए ये फाइल मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है कॉन्टैक्ट्स के नाम से. तो मैं इसे अब ट्रांसफ़र करूँगा iCloud अकाउंट पे. ओके, तो अगेन हम iCloud अकाउंट पे रहते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना होगा, इंपोर्ट वी कार्ड करना होगा. ओके, जो भी आप फाइल आपने डाउन की थी, जो आपके कॉन्टैक्ट की फाइल थी जीमेल से आपने कॉन्टैक्ट कॉपी किया था अपने फाइल में,
तो वो फाइल आपको जानी है और चूज़ करनी है और ओपन करनी है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स आपके अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, देख लीजिए इम्पोर्टिंग चल रही है। कुड नॉट इम्पोर्ट सेम कॉन्टैक्ट्स, तो यहाँ पे ये आपको पहले ही अलर्ट कर देगा अगर आपके कॉन्टैक्ट इम्पोर्टिंग कॉन्टैक्ट्स में कोई भी सेम कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं तो ये इन्हें पहले ही हटा देगा। तो ओके कर दीजिए इसे। ओके आपके ऑल कॉन्टैक्ट्स इम्पोर्ट हो चुके हैं इसमें। सो गाइस आई होप आप होपफुली अपने डिवाइस अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं जीमेल से आई क्लाउड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सके होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।